मिस्टर जब गाड़ी लेके गए तो आपने उनको डिटेन क्यों किया? ट्रेन नहीं किया था सर, क्या किया था? तो उनका बयान लिए हैं। क्यों लिए हैं बयान आप? किसने बोला था आपको बयान लेने के लिए? उनको केवल गाड़ी वहां पर पहुंचाने के लिए हमने बोला था, आपने बयान क्यों लिया? क्या नाम है आपका? क्यों लिया आपने बयान उनका? किस हैसियत से लिया? इसका आदेश था वाजपेयी साहब ने बोला था उनका स्टेटमेंट लेने के लिए? नहीं सर, गाड़ी को वहां पर रखने के लिए सुपुर्दनामा में उतने के लिए था आदेश। आपने उनका बयान क्यों लिया? उनको डिटेन 3 घंटे कर क्यों क्यों रखा? नहीं किया सर। क्या किया है? पूछताछ किए थे। क्यों किए थे आप पूछताछ? एक्यूज थे वो? नहीं है सर। फिर गाड़ी को लेकर आए थे? गाड़ी लेके आए थे। आपको क्या बोले थे कि केवल गाड़ी आपको अपने पास रखना है? उतने ही बोले थे ना आपको? फिर आपने पूछताछ क्यों किया? यस जवाब दीजिए, क्यों किया? सीज करेंगे आप, जब्त करेंगे। जब्त करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? किस सेक्शन में होता है सीजर? सीआरपीसी का किस सेक्शन में होता है सीजर? जब आपको यह नहीं पता है, आप क्या सीजर करेंगे? कितने साल सर्विस कर रहे हैं बताइए, किस सेक्शन में होता है? आप तो सेवा के योग्य नहीं है, लिखवा देते हैं ऑर्डर। नहीं, इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है मैडम। इनको तो हम लिखेंगे ही कि ये सर्विस के लायक है नहीं है। इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके इनको बाहर करिए नौकरी से। कोई सॉरी की जरूरत नहीं है आपकी। क्यों नहीं था क्लियर आपको जब बताए थे वाजपेयी जी की? नहीं बताए थे? अभी हम क्लियर कर देते हैं, वेट। सॉरी मैडम, सॉरी। इन लोग एटीट्यूड ऐसे ही रहता है, ये अपने आप को पुलिस वाले ये समझते हैं कि इनके जो चाहे जैसा चाहे वैसा करें। सर हमको कोई मतलब नहीं है, अगर कोर्ट के ऑर्डर का नहीं करेंगे कम्प्लायंस तो हमारे लिए भी किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। इन्होंने क्यों डिटेन किया? उनका स्टेटमेंट क्यों लिखा? क्यों इंक्वायरी की? इट वॉज नॉट डिटेंशन, डेलीबरेट था मैडम। इन लोगों का एक्शन डेलीबरेट एक्शन था। इट वॉज डेलीबरेट एक्शन, इट वॉज नॉट डिटेंशन, इट वॉज डेलीबरेट एक्शन ऑन पार्ट ऑफ दिस गाई। ही डिटेन्ड दोज पर्सन्स, इंक्वायर्ड देम, रिकॉर्डेड देयर स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड देयर मेमोरेंडम स्टेटमेंट। हमने तो केवल बोला था गाड़ी दे के दे देंगे, क्योंकि डिस्प्यूट इतना बड़ा नहीं था, ये एम्प्लॉय थे। yes, गाड़ी उनके पास थी, बोले वापस करके खत्म करो, क्या के लिए रहे? तो हम बोले जाके गाड़ी वहां पे छोड़ के आ जाना। तो ये अब पुलिस वाले ही जो चाहे जैसे चाहे वैसा करें। ये ऐसा नहीं था सर। नहीं होगा, क्लियर कर देंगे मिस्टर। वेट वेट, डिटेंडर लॉशिप अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाज देयर वाज। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वर्दी पहन लिए हैं, जो मन पड़ेगा वो करेंगे। लॉशिप ही शुड नॉट हैव डन बिकॉज़ द रिस्पांसिबल ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट हैज इन्फॉर्मड हिम, सो देयर इज नो रिटन ऑर्डर। अब ये समझते होंगे कि जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, ये नहीं चलेगा यहाँ। यस सर, हमको दो लाइन लिखाएंगे, नौकरी भी चली जाएगी आपकी। क्या आपने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया? इवन दो यू वेयर इन्फॉर्म्ड बाय द काउंसिल फॉर स्टेट। जब आप सरकारी वकील के कहने के बाद ऐसा करते हैं तो सामान्य जन के साथ आप ऐसा व्यवहार करते होंगे? कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है। इट इज डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। इट हैपेंस लाइक द क्वार्टर। इनको 20 लाख रुपए लेना है। yes, इनकी गाड़ी रखी हुई है बस इसलिए कि आप पैसा दो हम आपकी गाड़ी दे देंगे, इसी बात की झंझट थी। तो हम बोले खत्म हो जाए, काहे के लिए केस पड़ा रहेगा, अननेसेसरी दोनों परेशान रहेंगे। आपके कहने से इस बार माफ करना, लेकिन भविष्य में आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम तो लिखने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर आप लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो जरूर लिखेंगे हम। जितना काम बोला जाए, जितना करना है आपको उतने ही करिए, अपने अधिकारों से परे मत जाइए आप।
ये मत सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप एक थाने के इंचार्ज हैं केवल। अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करिए, वरना हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। यस मिस्टर श्रीवास्तव, यस आई हैव फाइल्ड ऑब्जेक्ट, आई हैव फाइल्ड रिटर्न इन दिस केस माय लॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी आपकी थी, शिकायत केवल गाड़ी की थी, गाड़ी मिल गई है क्या? गाड़ी 2020 से है, इनका पैसा भी तो आउटस्टैंडिंग है। पैसा कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, ये मेल भेज दिए कि 1 लाख लेना है, तो आपका तो हमने इवन इन्होंने कंप्लेंट केस फाइल किया था, दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। मैडम ट्रायल कोर्ट ने कंप्लेंट केस खारिज किया, उसके बाद यहाँ पे आया, वो कंप्लेंट केस खारिज हुई। आप एलिगेशन, आप एलिगेशन क्या है? कब FIR किया आपने? नहीं, FIR आपने कब किया है? FIR 16/10/2023 को आपने FIR किया कि हमारी गाड़ी नहीं लौटा रहे हैं? हमने लगातार, नहीं आपने क्या है FIR क्या है? अब इन्होंने वापस कर दिया, अब वापस कर दिया ना, तो 23 में आपने FIR किया है, अब क्या बचा फिर? आज वो गाड़ी की वैल्यू आपकी, आज गाड़ी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं, आप यूज करने के बाद वो लौटा दी, आज वो गाड़ी 4 लाख की बिकी। तो हमारी जो गाड़ी ले रहे थे 20 में, और हमको अगर ये लिखिए ठीक, हम इस केस में स्टे दे रहे हैं, आप करते रहिएगा, आराम से लड़ते रहिए। मिस्टर राजीव श्रीवास्तव सीनियर काउंसिल अलोंग विद मिस प्रभा साहू फॉर पिटिशनर, मिस हमीदा सिद्दीकी फॉर स्टेट, मिस्टर रविंद शर्मा फॉर रेस्पोंडेंट, रेस्पोंड नंबर 3। थर्ड ऑन आइए नंबर 1, आइए टू एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ। लर्नर्ड सीनियर काउंसिल वुड सबमिट दैट एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पिटिशनर, would submit that the petitioner was employee of the respondent number 3. He left the job. कब छोड़ा आपने? Sir, ये dispute on account of certain dispute, he left the job in the year 2020. He would submit that a vehicle, क्या था सर, गाड़ी कौन सी थी? Jeep Compass. A Jeep Compass was provided to the petitioner by the company. He would submit that there was outstanding amount of rupees 20. कितना था आपको लेना था? सर हमको तो इनसे करीब करीब अभी outstanding जो है वो 75 lakhs का है, इसके लिए हमने complaint भी की थी, तो इसको 155 दिया है पुलिस ने। He would submit that there is monetary dispute between the employee and employer, and there was no serious demand for return of the vehicle, therefore it remained with the petitioner for considerable period. It is also argued that on kitne tarikh ko FIR hua? 16/10/2023, an FIR was lost against the petitioner, making allegation that he did not return the vehicle despite several requests. And on such complaint, the police registered offence punishable under Section 408. Yes. Only 408. Only 408 of IPC.